वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डाइस इंडिया एडमिशन 2022-23 के बारे में। तो गाइस, फाइनली जो डीएससी के कैप राउंड के डेट्स हैं वो आ चुके हैं। हमें ये पता चल चुका है कि भाई इस बार कितने कैप राउंड होने वाले हैं। तो गाइस, इस बार जो है टोटल 3 कैप राउंड होने वाले हैं और जो आगे के डेट जो पेंडिंग थे वो भी डिक्लेयर हो चुके हैं। तो आगे की जो डेट्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, डेट कुछ इस तरीके से हैं, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 1 तारीख को डिक्लेयर होगी और सेम जो है सीट मैट्रिक्स कैप राउंड 1 का वो भी 1 तारीख को ही जो है डिक्लेयर होने वाला है। और जो कैप राउंड 1 है उसके जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल डेट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि जो ऑनलाइन सबमिशन है कैप राउंड का, जो आप ऑप्शन फॉर्म फिल करने वाले हो वो होगा 2 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में, यानी 2 नंबर से 4 नंबर के बीच में आप कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे और फिर 7 नवंबर को जो है आपका कैप राउंड फॉर्म का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सो ये 7 नवंबर को जो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज एलोकेट हुआ है कैप राउंड 1 में। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट होगा वो ये है कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप जो है आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है नहीं लेना, यानी कि फ्रीज करना है नॉट फ्रीज करना है। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी कॉलेज मिले तो वो अपने आप ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और उसके बाद में जो है 8 तारीख से लेकर 10 तारीख अप टू 5 PM आप जो है जिस भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेज में जाकर आप आपका एडमिशन ले सकते हो। तो ये है कंप्लीट कैप राउंड 1 का। और फिर उसके बाद में आता है कैप राउंड 2। सो ओवरऑल इस कैप राउंड 2 की जो वैकेंट सीट है, यानी कि जो सीट मैट्रिक्स है प्रोविजनल वैकेंट सीट, वो डिक्लेयर होगी 11 तारीख को। और उसके बाद में जो है कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 12 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में। और उसके बाद में उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा 16 तारीख को, यानी कि 16 तारीख को आपका कैप राउंड 2 का प्रोविजनल अलॉटमेंट, यानी कि आपको कोई कॉलेज एलोकेट हुई है या नहीं हुई है, वो आपको जो है कैप राउंड 2 का यहाँ पे पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद में 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक आप जो है फ्रीज नॉट फ्रीज, अगर आपको कॉलेज एलोकेट हुई तो आप फ्रीज कर सकते हो नहीं तो नॉट फ्रीज कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है ये 17 तारीख से लेके आप 19 तारीख के बीच में कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है फ्रीज किया है तो आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो, वो भी आपको 17 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में करना है अप टू 5 PM। तो ये कैप राउंड 2 के डेट्स हैं, यानी कि 11 तारीख को आपका कैप राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर हो जाएगा, 12 से 14 के बीच में आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, 16 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर यानी कि आपको कोई कॉलेज एलोकेट हुई है नहीं वो आपको पता चल जाएगा। 17 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में आप फ्रीज नॉट फ्रीज ये कर सकते हो। और जैसे आप कर लोगे कॉलेज पसंद है तो आप जो है उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो वो एडमिशन लेने का काम है 17 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में अप टू 5 PM। फिर हम बात कर लेते हैं कैप राउंड 3 के बारे में। तो इस बार टोटल गाइस 3 कैप राउंड होने वाले हैं। तो कैप राउंड 3 की डेट इस तरीके से कि 21 तारीख को आपको जो है प्रोविजनल वैकेंट सीट मिल जाएगा, यानी कि सीट मैट्रिक्स पता चल जाएगा। 22 तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में आप ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे और उसका जो अलॉटमेंट है वो आपको पता चलेगा 25 नवंबर को। और उसके बाद में 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक आप जो है उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो। सेम आप जो है फ्रीज नॉट फ्रीज ये आप जो है काम कर सकते हो, अगर कॉलेज पसंद है तो फ्रीज करोगे, नहीं पसंद है तो नॉट फ्रीज करोगे। और अगर फ्रीज करते हो वहाँ पर आपको एडमिशन लेना है तो वो काम करना है 26/11/2022 से लेकर 28/11/2022। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट ये बताते हैं कि अगर इंस्टीट्यूट लेवल पे कुछ सीट्स अगर वैकेंट रह जाती है तो उसका जो डिस्प्ले होगा वो होगा 29/11/2022 से लेके 4/12/2022 तक। और उसके बाद में अदर जो एक्टिविटीज़ हैं कमेंसमेंट एक्टिविटीज़ होगा 20/11/2022 तक। और कट ऑफ की जो डेट्स हैं फाइनल जो कट ऑफ होता है वो डिक्लेयर हो जाएगा आपका 4 दिसंबर 6 बजे के आसपास। और फिर उसके बाद में इंस्टीट्यूट लेवल पे जो लास्ट अपडेट करना होता है डेटा वो होगा 5 दिसंबर 2022 अप टू 6 PM। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैंने आपको शेयर कर दी हैं। तो गाइस अब जो है रेडी हो जाओ, आप सभी का जो है कंप्लीट डीएससी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। गाइस ये सारे डेट्स अब आपको फॉलो करना है, 2 to 2 के ऊपर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल रहा होगा, आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हो, आपको बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मिले इसके लिए आप हमारी कॉलेज रिकमेंडेशन ले सकते हो। तो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप अभी जाकर आपकी सीट बुक कर सकते हो क्योंकि बाद में ये सारी प्राइजेस अपडेट होंगी और हमारे यहाँ पे खुद की सीट जो स्टूडेंट्स के लिए हमने वैकेंट रखी वो सब फिल हो जाएंगी। इस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल भी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो सो दैट आप कोई भी डीएससी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर सको। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।